बोली सच्चे दरबार की। बाबा जी की कहानी है, फरमाइश है। एक बारी भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी बाबा विश्वकर्मा जी ने खोल गए और अपने महल का निर्माण करवाया। बड़ा सोहना महल बनया। जिस वेले लक्ष्मी ते विष्णु भगवान जी का वैकुंठ तैयार होया, उस वेले लक्ष्मी माता जी ने सारे देवी देवतें की घर घर जाइए सद्या। ये साढ़े घर च कोई घर पति की जाती, ये लक्ष्मी माता जी ने भी घर पति करनी ही। सारे देवी देवतें की सद्या गया। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान भोले शंकर जी के दरबार माँ भगवती लक्ष्मी जी गई हैं उन्हें सदने वास्ते। भगवान जी घर रहो, शंकर भगवान जी लक्ष्मी माता जी ने पार्वती के कोल गई है, उन्हें धाम कराई, अपने महलें घर पति वास्ते सद्या। जिस दिन धाम वाला दिन आया, भगवान शंकर जी घर है, उस वेले अपने कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान माँ भगवती पार्वती जी प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, आज असी धाम पीदी है, उसे जाना जरूर। भगवान भोले शंकर आखदे पार्वती रहिंदे, असें केह लैना धामा कोला, अस दियां एक अंत दे विच कैलाश पर्वत उपर ध्यान लगाने इयां ठीक है, कि मैलां मुल्लां दे चक्करें च नहीं पौना धामा दे चक्करें च। बोलिए सच्चे दरबार की। पार्वती माता जी ने बड़ी जिद की, भगवान शंकर जी के बार बार भागने ऊपर भी उतने जाने वास्ते भगवान शंकर जी की तैयार किया। जिस वेले लक्ष्मी जी के घर पहुंचे, विष्णु भगवान जी के घर, लक्ष्मी माता जी ने पार्वती की लिया और अपने सारे महल के विच बताया, सारे चक्कर लाया कि देखो मेरे घर वाले ने कितना बढ़िया महल बनाया, कितना बड़ा महल बनाया। और लास्ट मौके तो ताना भी मार उड़िया पार्वती माता की कि तेरे घर वाले की बनाया, वो तो बेचारा कपड़े भी नहीं लाता, नंगा मनोगा कैलाश पर्वत पर रहता, भंगी दिया घर वाला तेरा, वो को कुछ नहीं बने। माँ भगवती पार्वती की बड़ा गुस्सा होया, उस वेले चली पी भगवान शंकर की तोपर, भगवान जी ने भी आखते चलो घरे, भगवान आखद घरे जाना लै धाम खानी, साड़ा स्वागत होना, वेलकम होना, धाम खानी, फिर धाम खाइए घरे जाना, कने घरे भी लेइए जाना गणेश ने, कार्तिक के वास्ते भी लेइए जाना घरे प्रसाद। पार्वती आखदी ने नहीं मिकी बड़ा प्रसाद होइया, तुसीं उठो तो हुण घरे जाने वाली गल करो। भगवान आखदे आने ताईं भी बड़ी तौली ही, तूं तां हुण जाने भी बड़ी तौली। बोली सच्चे दरबार की। बड़ी जिद की पार्वती ने भगवान शंकर जी और पार्वती माता बगैर रोटी खाने घरे चले आए। जिसने घर आइए पार्वती जिद करने लगी भगवान शंकर जी आगे, आखदी है भगवान भोलेनाथ असें भी महल बनाना है। बोले आखदे असें कोई महल की जरूरत नहीं है, ये सारी दुनिया धरती आकाश जड़ी है साड़ा महल है, जिथे मर्जी बेही आओ। जिसलै महल बनाई उड़िया तो फिर एक दायरा होइया साड़ा, एक एरिया होइया कि उस घर च रहना, इं मेरा सारा ही घर है, जिथे मर्जी जाई सकते, अमरनाथें जाइए रहिए, कैलाश पर्वत उपर रहिए, जिथे मर्जी रहिए जाइए। पार्वती ने बड़ी जिद की थी, नहीं मेरी बड़ी बेइज्जती की थी लक्ष्मी जी ने, आसे भी महल बनाना है। और जरा गाइए बोली सच्चे दरबार की जय। पार्वती क्या कहती है, महल बनाई दे बोले, एक महल बनाई दे ओ मेरे रहने पैड़े सोने, एक महल बनाई दे, महल बनाई दे बोले, महल बनाई दे बोले, एक महल बनाई दे ओ मेरे रहने पैड़े सोने, जो एक महल बनाई दे, महल बनाई दे बोले,
साहब कैलाश पर्वत के ऊपर रहने वही ठीक है। पार्वती बड़ी सिद्ध करन लगी आती मैं मर जाना भोले शंभू मैं मर जाना हो जे नहीं मैं बनाना तो भोले मैं मर जाना हो मर जाना भोले शंभू मैं मर जाना हो भगवान शंकर परेशान हुई है कि ऐसा नहीं मैं सच्चे मरी आए क्या के पहले भी कई बारी मरी और जिसने भी माँ भगवती दी मौत होती भगवान शंकर की मुंडी बड़ी है तो गले से पाई लेते हैं भगवान ने आख्या ऐसा नहीं मैं मेरी मरी आता एक मुंडी और गले से पानी पी है पार्वती जी की आख्या लगी है भगवान विश्वकर्मा जी की याद करने लगे गल सुनी के गौर जाती याद लगाया हो गल सुनी के गौर जाती याद लगाया हो विश्वकर्मा जो बोले शंभू आप बुलाया हो विश्वकर्मा जो बोले पार्वती जी प्रार्थना सुनी है भगवान भोले शंकर जी ने बाबा विश्वकर्मा की याद किया दिव्य शिल्पी बाबा विश्वकर्मा जी प्रकट हुई है और अपना लगे कि भगवान हे भोले शंकर आज किया मेरे भाग जागे तुसे मिकी याद किया है भगवान भोले शंकर जी ने प्रार्थना की थी कि पार्वती भी बड़ी सिद्ध है कि महल बनाना विश्वकर्मा जी आखिर लियाओ गौरव माता की जिथे मैं शुरू करना मिकी सुनाओ उठे बाबा विश्वकर्मा जी खड़ोइए और पार्वती और भगवान भोले शंकर की आख्या प्रभु आगे चलते जाओ जो कुछ बनाना अपने मन के बिच सोचते जाओ तो जिथे तुसे तसली हुई आगे इन्हें तक बनाना उठे जाइए खड़ोइए जिसले मैं तुसी इशारा करांगा उस वेले मुड़िए चले आयो भगवान भोले शंकर ते पार्वती माता दुए चलते गए सलाह करते गए कि इतने बनाना होना चाहिए इतने ये होना चाहिए ये होना चाहिए काफी दूर तक चलिए और जिसने पार्वती माता ने आख्या कि ठीक है इतना बड़ा महल बनाया है उसमें तो भगवान भोले शंकर ने हाथ खड़ा किया कि ठीक है बाबा विश्वकर्मा जी ने आख्या भोले शंकर के मुड़िया पीछे जिसने भगवान भोले शंकर जी और पार्वती माता पीछे मुड़े तो जड़ी सुनने की लहंगा श्री लहंगा दे सुनने की लहंगा ही वो तैयार हो रही क्योंकि भगवान बाबा विश्वकर्मा जी दिव्य शिल्पी इतना नाम है कि अगले की सोच के मुताबिक ऑटोमेटिकली चीज तैयार करी रहे इतनी पावरफुल इतनी शक्तिशाली है बाबा विश्वकर्मा जी अज असी जो भी कुछ दिखे जो भी नजर आने की चीज है बिखरी बूटे पानी कोला वगैरह पानी पेड़ पौधे इस धरती का आकाश वाला वगैरह जो भी अस नजर जा रहा है टेंट है ता ये बाजा है ढोलक है कोई गड्डी मोटर कार दुकान घर कोई भी चीज साड़ी जिंदगी दी जड़ा अस कपड़े लाए दे ता जूती पाई दी है कोई भी टोपी ला दी है ला दी ये विश्वकर्मा जी दी आशीर्वाद उदी कृपा उदे कारखाने तो वगैरह कोई भी चीज जड़ी है प्यार नहीं होती विश्वकर्मा जी ने भगवान शंकर की मनोकामना पूरी की पार्वती माता की और सुनने की लहंगा चढ़ी है तैयार हुई बोली शंकर भगवान की महल बनाया बाबा मैं ही महल बनाया हो महल बनाया शिव शंकर के लेने पर एक महल बनाया हो विश्वकर्मा जी चली है फिर मूर्त कढ़ाना पार्वती माता क्या की है मूर्त कढ़ाना भोले जी हुण मूर्त कढ़ाना हो मूर्त कढ़ाना भोले जी हुण मूर्त कढ़ाना हो तेरे विच रहने दा अस मूर्त कढ़ाना हो जिसले मूर्त दी गल चली फिर गल आई दी पंडित दी हुण भगवान शंकर जी दे कुल पुरोहित जड़े हैं ऋषि विश्व शर्मा जी होए जड़ के श्री लंकापति रावण जी दे बापू जी होए उन्हें याद किया उन्हें बोल जाइए मूर्त कढ़ाया मूर्त कढ़ाया था भोले जी का मूर्त कढ़ाया हो मूर्त कढ़ाया
कपड़े नहीं लाए, कोई जुत्ती नहीं, कोई कख नहीं, धूड़ मरदी। और इन बंदे धूड़े ने बंदे ने के कराई है सिंदे दे महलें च रही है पंत ने लांच आई मूर सुनाया था पैती कपूर सुनाया बाबा विश्वकर्मा जी ने एक मिनट सकिंट दे विच तैयार की होली सच्चे दरबार की।